आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी कमेटी के बारे में। सेफ्टी कमेटी क्या है, सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स कौन कौन हैं और सेफ्टी कमेटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं सेफ्टी कमेटी क्या है। तो सेफ्टी कमेटी एक संस्था है जो किसी भी हजार्ड्स या कोई भी अनसेफ कंडीशन हो उसके बारे पे चर्चा करता है, यानी सुरक्षा के बारे में वो काम करता है। और एक सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के बीच में क्या करता है, ये जो सेफ्टी के इश्यूज होते हैं उससे लाता है। ये एक लीगल प्रोसेस होता है, जो सेफ्टी कमेटी होता है वो एक लीगल प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41 इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसका जो भी वर्क होगा, जो सेफ्टी कमेटी का जो भी वर्क होगा वो सारे लीगल होंगे, लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। जो सेफ्टी कमेटी है वो क्या करता है, तो हमारे साइट पे होने वाले जितने भी अनसेफ कंडीशंस होते हैं या सेफ्टी इश्यूज जितने भी होते हैं वो हमारा जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसके पास पहुंचाने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी कमेटी के मेंबर, ठीक है। अब हर एक साइट पे हमें क्या करना है, एक सेफ्टी कमेटी बनाना है, वहाँ पर हमें क्या करना है, उसके मेम्बर्स भी बनाने हैं। तो हम जो मेंबर्स बनाएंगे वो बाहर से तो नहीं लेकर आएंगे, हमें क्या करना है, साइट के अंदर ही, कंपनी के अंदर से ही हमें मेंबर्स को चुनना होता है, लेना होता है, ठीक है, जो क्या करे वहाँ पे होने वाले हजार्ड्स को, अनसेफ एक्ट्स हो, एक्ट के बारे में उन्हें, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस के बारे में उन्हें क्या हो, नॉलेज हो, वो उसे हमेशा देखते रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, मेंबर बनाएंगे। और जो सेफ्टी के प्रति जागरूक हो, ठीक है, ये नहीं कि हम सेफ्टी कमेटी किसी को भी पकड़ कर सेफ्टी कमेटी के मेंबर हम बना दिए, ठीक है, और वो खुद सेफ्टी के बारे में कोई जानता नहीं है और सेफली वर्क करता भी नहीं, तो वैसे लोगों को हम लोग सेफ्टी मेंबर बनाएंगे नहीं, सेफ्टी कमेटी के मेंबर हम लोग बनाएंगे नहीं। तो सेफ्टी कमेटी के मेंबर जो होंगे वो होगा सेफ्टी ऑफिसर होगा, जो साइट मैनेजर होता है वो होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, इंजीनियर होंगे, और जो वर्कर्स को रिप्रेजेंटेटिव करेगा, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स को, जैसे कि फोरमैन हो गया, ठेकेदार हो गया, ये सेफ्टी कमेटी का मेंबर बनाएंगे और इन सभी को ट्रेनिंग देंगे। सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, इन सभी का ट्रेनिंग देगा, सेफ्टी के बारे में इन्हें बताएगा, ताकि वो साइट पे होने वाले कोई भी अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ एक्ट को वो क्या करें, कुछ हद तक कम कर सकें। वो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो वो तो क्या करेंगे, सेफ्टी तो ही सही ढंग से काम करते हैं, लेकिन अगर ये जो जितने भी मेंबर्स होंगे अगर वो विजिबल हों, ठीक है, यानी कि वर्कर्स को मालूम हो कि हाँ ये जितने मेंबर्स हैं ये सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स हैं, ये जो भी लोग हैं ये सारे हमारे क्या है, सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स हैं, तो सेफली वर्क करेंगे। और इससे एक और भी फायदा होगा कि सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, सेफ्टी ऑफिसर ये किसी भी हजार्ड्स के बारे में आपको बताता है, ठीक है, उसे वो हटाएगा नहीं, वो उसके बारे में बताता है। तो जितने भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, अगर उन्हें मालूम है कि हाँ ये जो बंदा है ये हमारा क्या है, सेफ्टी कमेटी का मेंबर है, अगर हम सेफली यूज नहीं काम कर रहे, अगर सेफली काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कमेटी में इस बात को उठा देगा, इस बात को बताएगा, तो हमारा क्या हो सकता है, जॉब भी जा सकता है, उसे हम लोग निकाल सकते हैं। और जो टॉपिक नेक्स्ट है, जो हम लोग मिनट ऑफ मीटिंग में लेते हैं, ठीक है, MOM में लेंगे, वो टॉपिक जो होंगे वो वर्क प्लेस पर होने वाले हजार्ड्स होंगे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, अनसेफ कंडीशन हो सकते हैं, और हीट स्ट्रेस हो सकता है, अनसेफ कंडीशंस हो सकते हैं। तो इन सभी को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग में उठाते हैं, या फिर जो जनरली साइट पे सॉल्व नहीं हो पाता है, जो भी
अनसेफ कंडीशंस हो, अनसेफ एक्ट हो, जो जनरली हमें से साइट पे सॉल्व नहीं होता, उसे हम लोग मीटिंग में लाते हैं। मीटिंग का जो भी काम होता है वो डॉक्यूमेंट्री होगा। जितने भी साइट पे जो भी वर्क करें या मीटिंग में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, वर्क प्लेस का टॉपिक हो, हाइट का टॉपिक हो या हीट स्ट्रेस का टॉपिक हो, ठीक है, तो जो भी टॉपिक लाएंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, तो एक डॉक्यूमेंट्री होगा। मीटिंग में जो भी मेंबर होंगे, कौन कौन से प्रेजेंट हैं, कौन अब्सेंट है, ये सारे हमारे डॉक्यूमेंटेटिव ही होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सेफ्टी कमेटी होने से साइट पे बहुत सारे फायदे होते हैं। जो भी हमारा अनसेफ कंडीशंस होता है वो बहुत हद तक कम होता है। सेफ्टी कमेटी का जो टारगेट होता है वो जीरो एक्सीडेंट होता है, जो कि बिना किसी के हेल्प से, जैसे कि जो हमारा सेफ्टी कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके विदाउट हेल्प हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो या इस सेफ्टी कमेटी होने से बहुत